हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. माय सेल्फ राकेश यादव रिप्रेजेंटिंग सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, एंड वी आर डूइंग चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड टू क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 ऑफ NCERT क्वेश्चन नंबर 7. वी आर डूइंग डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. द क्वेश्चन इज लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स. हियर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सब्सटीट्यूशन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पर हमको जो सब्सटीट्यूशन करना रहता है वो लॉगरिथमिक सब्सटीट्यूशन करना होगा और सेपरेटली इन दोनों को लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में हमको सब्सटीट्यूट करना होगा. सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x, ये हमने लिख दिया. एंड आफ्टर दैट लेट u इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर log x. These two substitutions we have taken here. Let u is equal to log x raised to the power x and v is equal to x raised to the power log x. So first of all, here this will become y is equal to u plus v. This will become y is equal to u plus v on differentiating with respect to x. So this will become dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx as we done in our previous questions also. जैसा कि हमने पिछले questions में भी किया था, y अगर v, u plus v है तो हमारा जो basic function है वो हमको differentiate करना है with respect to x. वैसे भी y जो है function x का ही है, तो dy by dx निकालना means हमको du by dx plus dv by dx निकालना है. तो du by dx और dv by dx निकालने के लिए हमको here we have to substitute log. We have to take log of both the sides. On taking log of both sides, in these two cases, we have to take log of both sides. दोनों cases में हमको log लेना होगा. So this will become log u is equal to log x raised to the power x. Now this will become log u is equal to x log x. ये जो है x log x हो जाएगा. log m raised to the power n is equal to n log m. तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया. ऐसे ही इस वाले पार्ट में देखिए log v is equal to यहाँ हो जाएगा log x raised to the power log x. x की पावर में log x है. So here also this will become log v is equal to log x. This will become log x. This log x, because log m raised to the power n is equal to n log m. तो n log m हो गया है. ये दोनों फंक्शन log x के फॉर्म में आ गए. सो हियर ऑल्सो यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. अदरवाइज यू मे राइट इट log x होल स्क्वायर ऑल्सो. सो हियर द अप्लाइड फॉर्मूला इज log m raised to the power n is equal to n log m. दिस फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड हियर इन बोथ द केसेस. इट इज द अप्लाइड फॉर्मूला. Now, on differentiating with respect to x, दोनों पार्ट को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. So this will become log u differentiation means 1 upon u du upon dx. And after that, here we may apply first function into differentiation of second, that is log x plus second into
differentiation of first like this. In both parts we have to apply the product formula. Yeah, on differentiating with respect to x here also. जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा हमने तो ये log u का 1 अपॉन u हुआ, फिर u का du अपॉन dx हुआ. ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और ये हमने सेकेंड फंक्शन लिया. तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लगा. ऐसे ही यहाँ पर भी हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लेंगे. तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड. तो हियर ऑल्सो वी कैन राइट 1 अपॉन वी dv upon dx is equal to first function into d by dx of second plus second into d by dx of first, that is log x. So now this will become du upon dx is equal to u. This u will become the numerator. ये u यहाँ upon में है तो इधर आर एच एस में शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन log x. ये x अपॉन log x हो जाएगा क्योंकि log log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x होगा, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन फिर करना बाकी है. सो d बाई डी एक्स ऑफ log x ऑल्सो. अब हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे. log log x का तो 1 अपॉन log x लिख दिया, फिर log x का डिफरेंशिएशन हमको फिर से x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा प्लस log log x. And bracket close because differentiation of x with respect to x is 1, so no need to write it. Iska differentiation to 1 hota hai, is x ka. To x ka differentiation chunki 1 hota hai, to log log x ke saath mein into mein 1 aaya, to usko yahi par chhod denge. Iske baad mein du by dx agar hum likhenge to wo kya ho jayega, u ki value hamare paas kya hai, log x raised to the power x. To log x raised to the power x aur iske saath mein जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, तो वो 1 अपॉन एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया प्लस लॉग लॉग एक्स. ये वैल्यू है हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की. ये डी यू बाई डी एक्स निकला है. ऐसे ही जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो dv by dx इज इक्वल टू, ये v ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. नाउ दिस विल बिकम log x अपॉन x. ये log x ये वाला लिखा और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है तो ये अपॉन में x हो गया log x अपॉन x, और यहां पर भी log x अपॉन x आएगा. तो dv by dx की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, dv by dx इज इक्वल टू v, वैल्यू ऑफ v इज x रेज टू द पावर log x, x की पावर log x होगी और साथ में log x अपॉन x और log x अपॉन x, 2 log x अपॉन x हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x अपॉन x. ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. du by dx और dv by dx की वैल्यू अब हम यहां पर पुट कर सकते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगी और यहां पर 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स होगा इसके साथ में प्लस dv by dx की वैल्यू अब हम पुट करेंगे x raised to the power log x, x raised to the power log x और इनटू में 2 log x अपॉन x. तो ये चूंकि सब्सटीट्यूटेड पार्ट है इसको यहीं पर छोड़ दीजिए. फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं हम. एलसीएम लेंगे अगर यहां पर तो इसका एलसीएम होगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे log x raised to the power x
यहाँ जब एलसीएम लिया, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स वन है, तो लॉग एक्स एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा वन प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग एक्स, ये ऐसा हो जाएगा लॉग एक्स और पूरे के अपॉन में लॉग एक्स। देखिए ये यहाँ वन के टेबल में लॉग एक्स टाइम्स में आएगा, तो लॉग एक्स का इस लॉग एक्स में इंटू हो गया, तो ये हो गया वन प्लस लॉग एक्स प्लस ये एक्स जो है इसकी पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर लॉग एक्स है, तो अगर बेस सेम होते हैं और अपॉन में है तो इसमें से इसकी पावर को माइनस कर देंगे, तो एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगी और साथ में टू लॉग एक्स भी होगा, तो टू लॉग एक्स इसके साथ इंटू में आ जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये एक्स की पावर वन थी तो इसको माइनस वन लिखा पावर में, एक्स की पावर में, क्योंकि इसका बेस सेम था तो इसकी पावर को माइनस कर सकते हैं लॉग एक्स में से इस पावर को वन को, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थी, तो एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स। अब अगर इसको फर्दर पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉन में लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स यहाँ पर भी लॉग एक्स है, तो ये इसकी पावर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एम माइनस एन मीन्स एक्स माइनस वन, यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है मीन्स वन है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी मे राइट दिस वन प्लस लॉग एक्स, ये वाला पार्ट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन और साथ में टू लॉग एक्स, तो आप अगर टू चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ टू एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ये अपॉन में ये पावर में ये लॉग एक्स नीचे है, तो टू लॉग एक्स एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन मैं फिर वापस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में सॉल्व तो हो जाते हैं, ये लेंथी होते हैं लेकिन ये टफ नहीं होते हैं, हमको इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मूले लगा करके सॉल्व करना होता है, वी हैव टू प्रोसीड विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, तो हम फाइनल आंसर तक बहुत ईजी गोइंग पहुँच जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज ओवर। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर एट, इट इज साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर हम साइन एक्स की पावर एक्स को अलग से पहले, सबसे पहले इसको हम वाई कंसिडर करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पर हम फिर वापस कंसिडर करते हैं एंड लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, यहाँ हमने u को कंसिडर किया साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वाले में सिर्फ हम लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेकिन उसमें नहीं करेंगे, इसका रीज़न बता देता हूँ मैं, जब ये पावर में मतलब ये किसी डिजिट में जो किसी फंक्शन में अगर कोई पावर होती है और दोनों सेम वेरिएबल में डिनोट होती है तो हम लॉग ले ले तो इजी होता है, लेकिन यहाँ पर पावर वाली ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये इसका लॉग लेने की हमको आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं, रूट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करेंगे और इसमें लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो ऑन टेकिंग लॉग, तो केवल इसी पार्ट में लॉग ले रहे हैं अपन, इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है लॉग एम की पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है, तो ये लॉग यू जो है वो एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि x के दो फंक्शन हो गए हैं ये, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा,
और इस वाले पार्ट में हमको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि वी जो है वो एक्स का ही फंक्शन है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये x है? नहीं, ये रूट एक्स है, तो हमको यहां क्या लिखना होगा, वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x की जगह पर क्या दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है। अब चूंकि ये x नहीं दिया है, रूट एक्स दिया है, तो इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, ये जरूरी हो गया। अगर ये साइन इनवर्स x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 ही होता, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये रूट एक्स है तो इसको फिर से अलग से डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ दिस विल बी, हियर वी हैव टू टेक फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये डी यू बाई डी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू यू इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, ये एक्स के अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा, और लॉग, चूंकि ये लॉग साइन एक्स है, तो अगर ये मान लो लॉग एक्स होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह पर हमारे पास साइन एक्स है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, वन अपॉन साइन एक्स। लेकिन अब चूंकि ये साइन एक्स है, एक्स नहीं है, तो इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हम लिखेंगे, प्लस यहाँ तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 है, तो सिर्फ log साइन एक्स ही लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे log साइन एक्स। ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद में यहाँ हम u की वैल्यू डालेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स रेज टू द पावर x, साइन x की पावर x हो जाएगी। यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये हो जाएगा x cos x अपॉन साइन x प्लस log साइन x। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, या तो साइन x LCM ले लें और फिर उस पावर को माइनस करें, या फिर cos x अपॉन sin x को सीधे cot x लिख दें तो वो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट यूज़ करेंगे, cos x अपॉन sin x को cot x लिखेंगे, और फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व जब करेंगे तो dv by dx जो होगा वो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x होगा, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x होता है, और यहाँ d by dx ऑफ x की पावर हाफ है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ क्या होती है, हाफ x की पावर हाफ माइनस वन, तो वो माइनस हाफ हो जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, तो हाफ माइनस वन मीन्स माइनस हाफ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, क्योंकि x की पावर माइनस हाफ है तो नीचे आएगा, तो x की पावर हाफ हो जाएगा, तो x की पावर हाफ को हम फिर वापस रूट एक्स लिख सकते हैं, और साथ में वन अपॉन टू था ही। अब इस रूट एक्स का इस रूट वाले पार्ट में इंटू होगा, तो ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी वन अपॉन टू रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस सेम रूट में जब लिखेंगे तो x का 1 में इंटू हुआ तो x हो गया, माइनस इस x का x में इंटू हुआ तो x स्क्वायर हो गया। ये dv by dx की वैल्यू हो गई, और ये du by dx की वैल्यू में इसको cos x upon sin x को हम यहाँ जब लिखेंगे तो इसको हम cot x लिख देंगे,
नाउ दिस विल बिकम y इज इक्वल टू यू प्लस वी. ये जो y है ये u प्लस वी के फॉर्म में आ गया क्योंकि हमने u और v सब्सटीट्यूट किया था इसको. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी, हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम है, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स. तो ये साइन एक्स की पावर एक्स लिख करके इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, साथ में लॉग साइन एक्स है और इसके साथ में प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वन अपॉन टू रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा. सिर्फ हमने ये यहाँ पर चेंज किया है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स लिख दिया है. आप चाहते तो यहाँ पे साइन एक्स एलसीएम लेकर के ऐसा लिख सकते थे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग साइन एक्स अपॉन साइन एक्स. वो साइन एक्स को यहाँ पर पावर माइनस करके भी बता सकते थे साइन एक्स की पावर एक्स माइनस वन लिख करके. दोनों ही केसेस में ये आंसर जो हैं ये सही होंगे. सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि किस में आपको लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन लेना है और किस में लेने की ज़रूरत नहीं है. इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये तो इन्वर्स फंक्शन है, इसका सीधा इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन इसका सीधा हो जाता है इन्वर्स फंक्शन का. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सॉल्यूशन है, दिस इज द आंसर. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट एंड प्लीज वॉच अवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा रिपीटेटिवली. डू स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर एंड ऑफकोर्स लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल.